पाँच छः साल बाद जाके हमको रिग्रेट होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता उस टाइम। इवन तीन साल बाद भी मैं एक प्राइम नंबर का कोड नहीं लिख पा रहा था, हमें सिर्फ एक रोबोट इंसान ही बनना था। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या टेक है, कोई भी इंसान कैमरे के आगे आगे कुछ भी बोल सकता है, लोग आपको बोलेंगे कि कॉलेज का कोर्स इरेलेवेंट है, नहीं है भाई। भैया मैं रोज उठता हूँ सुबह, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद अपने दिमाग में एक टाइम टेबल बनाता हूँ कि आज मैं अपने पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, फिर सडनली कुछ काम आ जाता है, वो कॉलेज का काम हो सकता है, मम्मी कुछ काम दे देती है, फिर मैं उस काम को कंप्लीट करता हूँ, फिर दिन में फिर वही लंच किया, फिर शाम को सोचा चलो पढ़ने से पहले एक ब्रेक ले लेता हूँ, मोबाइल यूज कर लेता हूँ, फिर मैं मोबाइल स्क्रॉल करता हूँ तो सोचता हूँ कि यार थोड़ा काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, फिर रात हो जाती है, फिर रात तक ऐसा लगता है यार आज तो कुछ पढ़ाई नहीं, मैं कल से दोबारा ये चीजें स्टार्ट करूंगा, फिर नया दिन आता है, फिर नए दिन में सारा वही पैटर्न फॉलो होता है। इस तरीके से एक दिन निकलता है, दो दिन निकलते हैं, दो दिन के महीने बन जाते हैं, महीने के साल बन जाते हैं, साल के पांच छह साल बन जाते हैं, और पांच छह साल बाद जाके हमको रिग्रेट होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता उस टाइम पे। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मैं हूं, आप हो या फिर लाखों लोग हैं, आज से पांच छह साल बाद जब आप अपने 25 क्रॉस कर चुके होंगे तो यार आप भी जॉब करोगे, मैं भी जॉब करूंगा, जॉब सबको लग जाएगी और हार्डवर्क सबको करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे काम, लेकिन उसी 7 से 8 घंटे के काम के किसी को 20,000 मिलेंगे, किसी को 1,00,000 मिलेगा और किसी को 10,00,000 रुपए मिलेंगे, और वो सैलरी डिसाइड होती है कि हम आज जो हमारा अभी प्राइम टाइम है उसमें क्या करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ व्हाट टू डू इन यूर 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, कि आपको अपने इंजीनियरिंग के 4 साल में क्या करना चाहिए। मे बी अभी आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में होंगे, लेकिन इस वीडियो में फर्स्ट ईयर स्पेसिफिक ज्यादा बातें करूंगा ताकि आपको समझ आए कि आपको किन किन चीजों का एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं इसमें आपके प्लेसमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ के बारे में मैं बात करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बैठ जाओ कंप्यूटर आगे दिन भर कोड लिखते रहो, ये बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में मैंने भी कुछ खास नहीं किया था, जब अपने फर्स्ट ईयर में मैं आया था उस टाइम पे ना ही मैंने कभी बीटेक में मेरी सीएस थी, तो जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना हुआ, यानी कि मैं एकदम से सुधर गया। मैंने अपने 3 साल, जी हाँ, मैंने अपने बीटेक के 3 साल पूरे तरीके से वेस्ट किए। इवन 3 साल बाद भी मैं एक प्राइम नंबर का कोड नहीं लिख पा रहा था, तो सोचो मेरी कंडीशन क्या रही होगी, और ऐसी कंडीशन लाखों बच्चों की होती है अभी इंडिया में, भले उनके पास सीएससी की डिग्री क्यों ना हो। देखो हमारी लाइफ में जनरली क्या होता है, हमने अपने 2 से 3 लाख रुपए ऑलरेडी गंवा चुके हैं कोचिंग में, उसके बाद 5 से 20 लाख तक हमारा जो बीटेक का खर्चा वो होगा, और उसके बाद भी 3% चांसेस है कि हमें जॉब मिलेगी। क्या हम ऐसे मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे जहां पे कंपटीशन इतना हाई है? तो मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने अपने बीटेक में करी है वो आप ना दोहराएं। मैंने थोड़ा लेट जाके स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं अब अभी शुरू करूं उन चीजों को। यार अगर आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में आए हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए, हाँ आपको प्लेसमेंट्स काफी अट्रैक्ट कर सकते हैं, यार हर बंदे का प्लेसमेंट लग रहा है। मैं जब इस कॉलेज में आया तो मुझे वादा किया गया था कि किसी बच्चे का 50,00,000 का प्लेसमेंट लगा, लेकिन जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा तो मुझे पता चला है कि वो सिर्फ एक ही बच्चा था, बाकी सारे बच्चों के 2.5-3 लाख रुपए के प्लेसमेंट लगे, उनको टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां लेके जा रही है। मैं नहीं कह रहा वो खराब है, स्टार्टिंग के लिए फिर भी सही हूं, लेकिन क्यों हम बेस्ट एम ना करें, क्यों हम बेस्ट ना सोचें। तो मेरी जो ड्रीम कंपनी थी वो टीसीएस थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था नया नया उस टाइम पे मेरी ड्रीम कंपनी पूरी तरीके से टीसीएस थी। तो यार मेरे सीनियर मुझसे बात करते थे, कहते थे यार अभी 2-3 साल चिल मारो, उसके बाद 5-6 महीने पढ़ोगे आराम से टीसीएस में हो जाएगा। तो यार ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है मार्केट में, भरी भरी है, आप नाम लो वो लैंग्वेज होगी, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, आपको कौन सी सीखनी है। अब आप बोलोगे यार भैया यार पाइथन इजी है, तो यार मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, पाइथन स्टार्टिंग में हम नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? तो यार स्पून फीडिंग में हम नहीं जाएंगे, वहां सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपके लिए वो एकदम इंग्लिश जैसा हो जाएगा, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं ना, बस वही वहां रेप्लिकेट होता है पाइथन में। हाँ आगे जाके आप पाइथन काफी यूज करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ आप C++ या फिर आप जावा करें। C++ कितना करना है, जावा कितना करना है, क्या मुझे उस पर एक एक्सपर्ट बन जाना फर्स्ट ईयर में? तो यार एक्सपर्ट हम भी नहीं आज सर, हमें भी 50-60% भी मुश्किल से आता होगा किसी लैंग्वेज का, लेकिन जब अभी हम स्टार्टिंग में तो हम अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लें कि यार अच्छा फॉर लूप इसलिए काम करते हैं, फंक्शन इसलिए काम करते हैं, अगर हमें बेसिक प्रोग्राम बनाने आ जाए, बेसिक प्रोग्राम बोले तो भैया जैसे हमें टेबल का प्रोग्राम बनाने आ जाए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, या फिर हमें स्टार पैटर्न बनाने आ जाए, या फिर हम फिबोनाची नंबर जनरेट करना आ जाए, इस टाइप के अगर हम कोड लिख पा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो शायद हमारी कोडिंग जो जर्नी होगी वो काफी इजी होगी। तो यार जो C++ है वो कहाँ यूज होती है भैया? तो यार C++ आगे जाके आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन लड़ रहे हैं प्रोग्रामिंग के, जैसे अभी गेमिंग के कंपटीशन होते हैं ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं उससे कम्पीट करते हैं, एक विनर होता है, वैसे ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, लाखों करोड़ों में प्राइजेस मनी होती है, लेकिन वहां भी जो बेस्ट होता है
वही जीत पाता है। और सी प्लस प्लस उसमें इसलिए काम आती है क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देती है कोड को। और कहाँ यूज होती है भैया सी प्लस प्लस? देखो यार, अभी हमारे सर्वर साइड में भी काफी सी प्लस प्लस यूज होती है। अभी हमने सुना है कि यार IIT में किसी बंदे को 4 करोड़ का पैकेज मिला भैया, 4 करोड़ का, ठीक है। तो बंदा भी मैक्सिमम लोग सी प्लस प्लस में ही काम करने वाले। जो HFT फर्म है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, वो सी प्लस प्लस में बेसिकली काम करती है क्योंकि जो उनके कोड है वो चाहती हो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो, मिली सेकंड्स, इसलिए सी प्लस प्लस वहां यूज होते। जावा कहाँ यूज होती है भैया? क्या जावा का कोई यूज नहीं है? फिर जावा भी बहुत जगह यूज होती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। चाहे वो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे, जैसे आप अपना ऐप बना रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी आप बनाना चाह रहे हो, वहाँ वो यूज होने वाली है। और कहाँ यूज हो सकती है भैया? ऐप डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं जावा के। और आपके जो उप्स के कॉन्सेप्ट होंगे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जितनी ज्यादा आप जावा पढ़ोगे। सी प्लस प्लस में भी उप्स के कॉन्सेप्ट है लेकिन वो अलग से हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जब हम जावा पढ़ते हैं वो एक साथ ही मर्ज हो जाते हैं। जब हमने एक लैंग्वेज को पढ़ लिया, हमने बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कोडिंग क्वेश्चन बना लिए, 30-40 क्वेश्चन अगर हमें कर लिए बेसिक बेसिक वाले कि आप चाय कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। अरे भैया, आप तो कह रहे हो कि फर्स्ट ईयर से ही DSA से स्टार्ट कर दें, इससे तो प्लेसमेंट लगता है, इसे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दे। नहीं, फर्स्ट ईयर से हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं, हम सिर्फ एरे और स्ट्रिंग करेंगे। अब आप बोले भैया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या? जब मुझे एक लैंग्वेज आती है तो मुझे ये सीखने की जरूरत क्यों है? और डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है? देखो, जैसा उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। मान लो आपकी एक दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान में बहुत सारा सामान है, आपने नई नई दुकान खोली है और आप अपने दुकान में सामान को सेट कर रहे हैं। एक तरीका जो है, आप सामान लाए अपनी दुकान में रख दिया, कोई नया इंसान आया उसने बोला यार मुझे चीनी चाहिए, और आप ढूंढ लो अपनी दुकान में क्योंकि आपने उसे असेंबल करके नहीं रखा, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं रखा है। अगर मैं उसको सिस्टमेटिक वे में रख दूं तो मुझे इजी हो जाएगा उस सामान को ढूंढना, मुझे पता कि मेरी चीनी कहाँ है, मेरा सॉस कहाँ है, मेरे चाय पत्ती कहाँ है, हर चीज का मुझे नॉलेज होगा। तो इस तरीके से ही डेटा में काम होता है। अगर मैं डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में रखूंगा तो मैं इजीली उसे एक्सेस कर पाऊंगा। अगर आपके लैपटॉप में कोई मूवी पड़ी है और आप उसको ऐसी रैंडमली कहीं पर रखा है आपके लैपटॉप ने, और आप जब भी वो मूवी को ढूंढने जा रहे हो, वो आधा एक घंटा लगा दे रहा है उस मूवी को ढूंढने में कि वो मूवी एक्चुअल में रखी कहाँ है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का काम आता है। एल्गोरिथम क्या होता है? वे उसके ऊपर काम करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत जल्दी खुद को कंबाइन करके आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। जब मेरे पास बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा, बेस्ट एल्गोरिथम होगा, तो मैं उतना ही ऑप्टिमाइज कोड लिख पाऊंगा, तब मेरा कोड बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा, बहुत मिली सेकंड में। तो इन चीजों का हमें याद रखना है कि हमें डी से क्यों सीखना है, हमें एरे पढ़ना है, हमें स्ट्रिंग पढ़ना है। इससे आगे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ऐप डेवलपमेंट में चले जाओ या फिर आप किसी और चीज में चले जाओ, ब्लॉकचेन पढ़ लो फर्स्ट ईयर में। नहीं, उससे भी अलावा हमें और चीजें भी फर्स्ट ईयर में करनी है। हमें सिर्फ एक रोबोट इंसान नहीं बनना है फर्स्ट ईयर में, हमें और खुद को और खोलना है, खुद को और इम्प्रूव करना है। सेकंड चीज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी पे, जी हाँ, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, वो बहुत तरीके से हो सकता है। हम किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग डांस में बहुत ज्यादा फैसिनेट हो, किसी को सिंगिंग में हो, किसी को एक्टिंग में हो, या फिर जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको इंस्टाग्राम बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, फिर तो वही हो गया ना, जीना ही बंद कर दो। इससे अच्छा वो चीजें भी यूज करो, क्योंकि वो चीजें ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगी कि आपको किस तरीके से इन चीजों का सही इस्तेमाल करना है। कोई भी इंसान कैमरे के आगे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब तक आप उससे पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हो, मतलब आप डांस की वीडियो बनाते हो, आपको डांस करना पसंद है, तो आप डांस रिलेटेड वीडियो बनाओ। आप उस पर ध्यान दो कि मैं इसको किस तरीके से शूट करूं, किस तरीके से बेस्ट शॉट निकलेगा, कि लोगों को देखने में मजा आए, क्या उसको मैं टाइटल लग सकता हूँ, ठीक है। जब आप इन चीजों में भी ध्यान देते हो ना, तो आपकी तो ग्रोथ हो ही रही है, आपकी सोशल मीडिया की भी ग्रोथ हो रही है, और आपको लोगों से कनेक्ट करना भी आ रहा है। अगर आप इन ऐप का यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ऐप और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है LinkedIn, जो आपको फर्स्ट टाइम में यूज करना ही है। अगर आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर ही क्यों नहीं सीख रहे हो, या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों नहीं सीख रहे हो, वहां डालो। उससे क्या होगा, लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा ये बंदा ही मेहनत करता है, इसको मैंने देखा था। 3-4 साल बाद अगर आप किसी से रेफरल मांगते हो, उसे लगेगा हाँ ये बंदा ना रेगुलर पोस्ट करता रहता है, रेगुलर मेहनत करता रहता है, तो यार इसको आता होगा कुछ ना कुछ। रेगुलर पोस्ट वहां करते रहा करो कि यार आज मैंने ये सीखा, मतलब आपने एरे के बारे में कुछ सीखा तो आपने वो डाल दिया। मे बी अगर आपको डांस सिंगिंग में पसंद है, तो आप बताओ कि मैं उसको और टेक्निकलिटी में कैसे लोगों को बता सकता हूँ उन चीजों को। अगला है जो इसी के अंदर पर्सनलिटी डेवलपमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल। हमको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश में बात करना चाहिए, इसका मेन मतलब है कि जो मैसेज आप देना चाहते हो, क्या वो आप डिलीवर कर पा रहे हो दूसरे को जो सुन रहा है आपको, वो अगर आप कर देते हैं अच्छे से, तो आपकी जो पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। इंग्लिश है, आप 3-4-5 महीने दोगे वो सुधर ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या टेक है, जब हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में आपको करना चाहिए। देखो यार, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप उससे बहुत कुछ सीखोगे, आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो, आप एक बुरा इंसान भी बन सकते हो, वो टोटली वो इंसान पे डिपेंड करता है जो उन चीजों पे जा रहा है। ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है,
कोई ऑनलाइन आके आपको बता नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल हो गए उस चीज में या फिर आप अनसक्सेसफुल हो गए। मैं चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए वर्क करेगा तो करिए, नहीं करता वर्क तो मत करिए, वो टोटली आप पे। अपोजिट जेंडर से बात करना स्टार्ट कीजिए, क्यों? अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं किसी भी चीज के लिए, यार फ्रेंड्स, आपको खुद आपको लगेगा कि हाँ मेरी पर्सनालिटी पे ग्रोथ हो रहा है जब मैं किसी और से बात करता हूँ। तो ये तो कर दी मैंने पर्सनालिटी की बात। अब मैं एकेडमिक्स में आपके आ जाता हूँ। अब एकेडमिक्स में हम क्या कर सकते हैं? क्या भैया CGPA मैटर करता है? जो हमारी परसेंटेज है कॉलेज की, क्या वो मैटर करेगी? जो कॉलेज का कोर्स है, क्या वो कंपनी में रेलिवेंट है भी या नहीं? देखा यार, जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, वो सब रेलिवेंट है। लोग आपको बोलेंगे कि कॉलेज का कोर्स इरेलीवेंट है, नहीं है भाई। अगर आप सीएस के फंडामेंटल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो वो आपके काम आने वाले हैं आगे जाके। भले आपको अभी आप कोडिंग कर रहे हो, वहां आपको लग रहा है कि उतना काम नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आओगे वहां आपको लगेगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये यहां यूज हो रहा है रियल में। अपडेट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। सिर्फ उनको CGPA के लिए मत पढ़ो, इसलिए भी पढ़ो कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी जो रेलिवेंट है, आपको पता नहीं यार ये क्यों रख दिया जब इसका कुछ यूज ही नहीं है मेरी लाइफ में। होंगे कुछ सब्जेक्ट, लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, जो 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, आप गेट का सिलेबस उठा सकते हो, आप उन सब्जेक्ट पे पक्का ध्यान देना। भले आप गेट दो ना दो, लेकिन आप उन सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनाना, आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और रही बात CGPA की, यार अच्छी CGPA मेंटेन करना बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 7-7.5 CGPA से ऊपर रखते हैं तो आप कंपनी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। बहुत सारी कंपनियों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आपका मिनिमम इतना CGPA होना ही चाहिए। और बहुत सारे डाउट बच्चों को आते हैं, भैया अगर मैं कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मान लो मैं C++ सीख रहा हूँ, क्या मुझे कोई सर्टिफिकेशन के पीछे भागना चाहिए कि मुझे उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ मैंने C++ सीख ली? देखो यार, सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 होती है अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो। कोई आपके सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, वो चेक करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। मैंने आज तक कोई भी सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में नहीं डाला है, तो यही रीजन है कोई भी कंपनी नहीं देती यार, क्योंकि सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। आपको भी पता है, अगर आप किसी को 200-300 रुपए दोगे आपको एक नया सर्टिफिकेट लेके दे देगा, वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा। हमें चीजों को सीखना है, डेप्थ में सीखना है। ये सर्टिफिकेशन वाली चीजें हमको अब छोड़नी पड़ेगी जो हम 11th 12th में करते थे, जिन चीजों के पीछे। आप में से बहुत सारे बच्चों को खुद पे सेल्फ डाउट होगा कि भैया मुझसे जेईई मेंस क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि मैं कुछ कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। देखो ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि जिस बच्चे ने जेईई मेंस निकाला है या जो बंदा वहां से IIT गया, तो उसने भी एक टाइम पे मेहनत करी होगी, वो मेहनत आप अभी कर सकते हो। ये खुद के उसमें एक थॉट डालो। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर वेस्ट कर दिया। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कॉलेज में जब आपने फर्स्ट ईयर में ये चीजें कर ली, सेकंड ईयर से आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कि आप कॉलेज में रहते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। अब मैं ऐसे मेथड नहीं बताऊंगा कि आपने ये कर लो वो कर लो जो हाइपोथेटिकल लगे कि यूट्यूब से ये कर लो वो कर लो, रियल चीजें बताऊंगा जिससे आपको आपके करियर पे भी फर्क पड़ेगा और आप ग्रो भी करोगे। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ईयर वेस्ट करा, आप उस तरीके से अपने फर्स्ट ईयर को वेस्ट करो। और लास्ट में अपनी हेल्थ का, जी हाँ, अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.